अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रोनाउन को आप डिटेल में समझ जाओगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है, वैसे कोई डाउट रहने वाला नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी ऐसा वर्ड जिसे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज इज अ स्टूडेंट, राज इज 20 ईयर ओल्ड। हम राज यानी नाउन को रिपीट करने के बजाय, यानी राज इज अ स्टूडेंट, राज इज 20 ईयर ओल्ड, राज इज अ स्टूडेंट, हम नाउन को बार बार रिपीट करने के बजाय हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। वेल, राज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम सब्जेक्टिव नाउन की जगह पर यूज करते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, सी एंड दे। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम, ही का मतलब होता है वो अगर वो एक लड़का है, सी का मतलब होता है वो अगर वो एक लड़की है, एंड दे का मतलब होता है वे, उसमें लड़के भी हो सकते हैं, उसमें लड़कियां भी हो सकती हैं। वेल, अगर हम उस सेंटेंस पे वापस जाएं, राज इज अ स्टूडेंट, राज इज 20 ईयर ओल्ड, हम क्या करेंगे, राज को रिपीट करने के बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही का यूज करेंगे क्योंकि वो एक लड़का है। तब आपका सेंटेंस हो जाएगा, राज इज अ स्टूडेंट, ही इज 20 ईयर ओल्ड। इसी के हिसाब से आप नाउन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सारे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ रागिनी इज प्रपोजिंग राज, वेल इस सेंटेंस में रागिनी एक सब्जेक्ट है। अगर आपने सब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने 2 से 3 मिनट की एक वीडियो बनाई है, जिसको देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो रागिनी है, क्योंकि रागिनी इस सेंटेंस में काम कर रही है, प्रपोज करने का काम रागिनी कर रही है। एंड राज इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। वेल, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव नाउन की जगह पर यूज करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मी में चेंज हो जाता है, वी जो ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अस में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के। अगर मैं एग्जाम्पल पे वापस जाऊँ, जो एग्जाम्पल था रागिनी इज प्रपोजिंग राज, रागिनी लाइक्स राज, अब मैं क्या करूँगा, रागिनी या राज को बार बार रिपीट करने के बजाय मैं यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करूँगा। वेल, रागिनी तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और रागिनी एक लड़की है, इस वजह से हम यहाँ पे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी का यूज करेंगे। बट राज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, लड़का है बट एक ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे ही का यूज नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे हिम। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, रागिनी इज प्रपोजिंग राज, सी लाइक्स हिम। आई होप आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। वेल, अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पजेसिव प्रोनाउन, इट टेल्स हु ओन्स अ थिंग, ये किसी भी चीज या किसी भी ऑब्जेक्ट के मालिक को बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किसका है। सपोज दैट कि आप एक कमरे में खड़े हुए हैं, वहाँ पर टेबल पे एक पेन रखा हुआ है, एक आदमी आता है और आपसे पूछता है ये पेन किसका है। वेल, वो पूछ रहा है कि इस पेन का मालिक कौन है, यानी इस पेन का ओनर कौन है। अगर वो पेन तुम्हारा है तो कहोगे ये मेरा पेन है, अगर कहोगे ये तुम्हारा पेन है तब आप कहोगे ये तुम्हारा पेन है। सो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के ओनर को बताते हैं उस कंडीशन में हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर वो मेरा होता पेन तब मैं कहता दिस इज माई पेन, अगर वो तुम्हारा होता पेन यानी जिसने मुझसे पूछा था तब मैं कहता दिस इज योर। इसी तरीके से वो सारे प्रोनाउन जो आपने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में देखे हैं वो पजेसिव में इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, यानी आई माई में चेंज हो जाएगा, यू योर में चेंज हो जाएगा, वी और में चेंज हो जाएगा। अगर मुझे कहना है ये पेन मेरा है, दिस इज माई पेन, वो पेन उसका है, मान लो वो एक लड़का है तो मैं कहूँगा दिस इज हिज पेन। वेल, पजेसिव प्रोनाउन जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, वेल बहुत ही आसान है दोनों कैटेगरी का समझना। जो पहली कैटेगरी जिसके एग्जाम्पल मैंने पहले ही दे दिए हैं, माई, योर, हिज, आवर, ये सारे जो आपने पहली कैटेगरी में देखे हैं। बट अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी के बारे में, ये रहे एग्जाम्पल दूसरी कैटेगरी के, बट बात ये आती है इन दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ दिस इज माई पेन तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा पेन है, अगर मैं कहता हूँ ये तुम्हारा पेन है तब मैं कहूँगा दिस इज योर पेन, यानी यहाँ पे मैं जिस
आदमी या जिस पर्सन का पेन है उसको मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। वेल, पहली कैटेगरी का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम उस ओनर या उस मालिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, यानी कि ये मेरा पेन है। बट अगर हम उस ऑब्जेक्ट या उस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तब हम कैटेगरी टू का यूज़ करेंगे। मान लीजिए पेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हमको ओनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है। कोई पूछता है ये पेन किसका है, तब आप कहोगे ये पेन मेरा है, यानी कि आप उस पेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे दूसरी कैटेगरी। इसके अलावा अगर एक कार है और आप कहते हैं ये कार मेरी है, तब आप कहोगे दिस कार इज माय। और अगर कहोगे आप ये मेरी कार है, तब आप कैटेगरी वन का यूज़ करेंगे। सिंपल है, जब आप ओनर को ज़्यादा फोकस करते हो यानी ओनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तब आप कैटेगरी वन के एग्जांपल यूज़ करोगे, और जब आप उस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे जिसके बारे में बात हो रही होगी तब आप कैटेगरी टू का यूज़ करेंगे। एक सिंपल से एग्जांपल समझ जाइए, अगर आपको कहना ये मेरा पेन है तब आप कहोगे दिस इज़ माई पेन, और अगर आप पेन को इम्पोर्टेंस दे के कह रहे हो तब कहोगे दिस पेन इज़ माइन। अगर कहना ये तुम्हारा पेन है ऑब्जेक्टिव वन में, तब आप कहोगे दिस इज़ योर पेन, और अगर आपको उस पेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है तब आप कहोगे दिस पेन इज़ योर्स, दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ हिज। इसी तरीके से आप सारे प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। इमेजिन करें कि एक लड़का जिसका नाम अमित है एंड वो हॉस्पिटल में है, वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता है, बट एक दिन वो कहता है मैं खुद खाना खाऊंगा, तब वो कहेगा आई विल ईट myself। इसके अलावा मान लो आपके सारे दोस्त अपनी अपनी कार धुलवा रहे हैं बट आप कह रहे हैं कि मैं खुद कार धुलूंगा, तब आप कहोगे आई विल वॉश कार myself। आप सिंपल ये नहीं कहोगे आई विल वॉश कार, तब आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं कार धोऊंगा या मैं खाना खाऊंगा, बट ऐसी कंडीशन है जब आपको अपने आप को जोर दे के बताना, यानी कि मैं खुद कार धुलूंगा, आई विल वॉश माई कार myself, मैं खुद होमवर्क लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे से अपना होमवर्क लिखवा लेते हैं। उस कंडीशन में आप कहोगे आई विल राइट होमवर्क माई सेल्फ। आई होप कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे। ये सारे एग्जांपल आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अगर मैं कहता हूँ अमन हैज कार, अमित हैज कार, राहुल हैज कार, यानी मैं सभी नाउन के बारे में एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ कि सबके पास एक कार है। इस कंडीशन में मैं सारे नाउन को हटा के मैं कह सकता हूँ ऑल हैव कार, यानी ऑल द पर्सन हैव कार। बट अगर हम सभी को एक ग्रुप मान के चलते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे ऑल, बट अगर हम इंडिविजुअली फोकस करते हैं उस कंडीशन में हम ऑल नहीं बल्कि ईच का यूज़ करेंगे, हम कहेंगे ईच पर्सन हैज कार। अब हम इसी कैटेगरी के एवरी एंड ईच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। वेल, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि कब हम एवरी का यूज़ करें और कब हम ईच का यूज़ करें। वेल, बहुत ही आसान है, जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करोगे उस कंडीशन में आप ईच का यूज़ करोगे, बट एवरी का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा की कंडीशन में करोगे। सपोज़ करें कि मान लो कि एक क्लासरूम में दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों के पास पेन है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ईच स्टूडेंट हैज पेन। और मान लो कि एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट हैज पेन। एंड इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं ईच स्टूडेंट हैज पेन, क्योंकि ईच का यूज आप दो या दो से ज़्यादा की कंडीशन में भी कर सकते हैं एंड एवरी का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ दो से ज़्यादा यानी 3-4 ऐसी कंडीशन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए क्लासरूम में दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को मैं एक ग्रुप मान के चल रहा हूँ, उस कंडीशन में अब दो बच्चों के लिए मैं ऑल तो यूज़ नहीं करूँगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे बोथ। मान लीजिए दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तब मैं कह सकता हूँ बोथ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। और अगर मान लीजिए एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं एंड उसमें से 7 और 8 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। और मान लीजिए उसमें से बस 2-3 बच्चे इंटेलिजेंट है, तब मैं कहूँगा फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। बट मान लीजिए कि कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट है ही नहीं, सारे के सारे डम है, उस कंडीशन में आप कहोगे नन स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट।
होप कि आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। वेल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस कंडीशन में इनका यूज़ करेंगे। वेल, सबसे पहले हम बात करते हैं दिस के बारे में। इसका यूज़ तब जब कोई ऑब्जेक्ट नियर यानी करीब एंड सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे करीब एक पेन है, तब मैं कहूँगा दिस इज पेन। दैट, इसका यूज़ जब कोई ऑब्जेक्ट फार यानी दूर एंड सिंगुलर है, तब मैं कहूँगा दैट इज पेन। इसके अलावा दिस का यूज़ जब कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है और वो करीब है, तब हम कह सकते हैं दीज आर पेंस। जो भी ऑब्जेक्ट है, दीज आर पेंस, दीज आर कार्स। और अगर ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं और वो दूर हैं, तब आप कहोगे दोज आर पेंस, दोज आर कार्स, जो भी वो ऑब्जेक्ट हैं। सिंपल है, जब कोई ऑब्जेक्ट करीब एंड अकेला है तब दिस, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर एंड अकेला है तो दैट, जब कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है और करीब है तब दिस, एंड जब कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा है और दूर है तब आप यूज़ करोगे दोज। इसी के साथ आप लोगों ने डिटेल में प्रोनाउन के बारे में सीख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर कोई डाउट है आपको, तब आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं।